जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। एम्पावर इंडिया से जुड़े बहुत सवाल आ रहे थे कमेंट में, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपडेट दिया जाए कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। बहुत से लोगों का सवाल था कि स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है, क्या करें। हालांकि अपर सर्किट भी लगा इस स्टॉक में, लेकिन अपर सर्किट की बात किसी ने नहीं की। देखिए, यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है किसी भी स्टॉक में, ये सिर्फ एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको शॉर्ट टर्म में इसमें लोअर सर्किट लगे या अपर सर्किट लगे, इससे घबराना या खुश होना नहीं है। आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप इसमें बने रहिए। जहाँ तक आपका टारगेट है, आप टारगेट तक वेट कीजिए। टारगेट अचीव नहीं होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस तक वेट कीजिए। दोनों में से एक चीज़ आप जरूर वेट कीजिए, एक चीज़ तक प्राइस को जाने हो या आने के लिए, क्योंकि एक अच्छा जो ट्रेडर होता है, अच्छा जो इन्वेस्टर होता है, वो थोड़े शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर नीचे जाने से नहीं घबराता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। और अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एम्पावर इंडिया लिमिटेड में अभी क्या है कि जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर का नंबर होगा, ये इसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से फ्यूचर डिसाइड करेगा। फ्यूचर इसलिए भी डिसाइड करेगा क्योंकि देखिए, अभी हम सभी जानते हैं कि जो क्वार्टर फोर का जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था, काफी दमदार आया था। और सिर्फ एक क्वार्टर के बेसिस पे हम किसी कंपनी को मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते। क्वार्टर फोर में कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा आया था। अब यही रिजल्ट यदि क्वार्टर वन का, जो इस फाइनेंशियल ईयर का पहला रिजल्ट होगा, इसमें अच्छा आता है तो माना जाएगा कि कंपनी सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ कर रही है। सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रोथ करने का मतलब ये हुआ कि कंपनी अब पहले भी पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आया था, इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आया, मतलब कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कामकाज करते हुए दिख रहा है। तो ये जब किसी कंपनी में बढ़िया होता है, एक मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा हो और समय दर समय कंसिस्टेंस बेसिस पे नंबर अच्छा ला के दे रहा हो, तो मानते हैं कंपनी ग्रो कर रही है। और एम्पावर इंडिया लिमिटेड, तो मैंने शुरू से ही बताया कि जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर में ग्रोथ काफी है, क्योंकि ये हाई इंड आईटी प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब आईटी सेक्टर की कंपनी तो है ही, उसमें जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है काफी, मतलब एक कह सकते हैं कि प्रीसेट लेवल की कंपनी काम करती है। आईटी के सेक्टर में काफी दमदार चीजें बनाती है जिसकी आईटी सेक्टर में काफी जरूरत होती है। तो काम के बेसिस पे यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो फ्यूचर है काफी आपको ब्राइट नजर आएगा। वहीं पर जब हम फंडामेंटल की भी बात करते हैं, तकरीबन 250+ करोड़ की कंपनी है, यानी कि जो मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि 100 करोड़ के आसपास की यदि कंपनी है तो लगभग उसे सेफ जोन में माना जाता है अपने स्टॉक को। यहाँ तो 250 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो ऑलरेडी सेफ है, आपको इसमें घबराना नहीं, इजिली इस कंपनी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। प्लस यहाँ पर देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का, जो ROC, ये भी प्लस में माइनस में नहीं है। दूसरी बात, इसका जो पी है लगभग, मैंने वैसे तो ये सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, फिनिश स्टॉक के हिसाब से देखते हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आपको मिल जाएगा इस कंपनी का शेयर प्राइस, कह सकते हैं वैल्यूएशन वाइज आपको स्टॉक थोड़ा ठीक नजर आएगा। बाकी बाइक करने के लिए तो हम चार्ट पर लेवल देखते हैं कि किस लेवल पर बाइक कर सकते हैं। देखिए, एक साल के चार्ट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। ना तो इस यह स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज से बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। हालांकि नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आप सभी जानते हैं यदि मेरे चैनल के आप व्यूअर्स हैं तो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा होता है, जब इससे निकलता है तो इसका ब्रेकआउट होता है, न कि ब्रेकडाउन होता है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। 90 से 95% यही चांस होता है। तो अभी बीच में ये है, अब बीच में चूंकि रेंज में है तो इसमें चाहे लोअर सर्किट लगे चाहे अपर सर्किट लगे, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको वेट करना है प्राइस ऊपर जाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द प्राइस इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट का, ये मुझे उम्मीद है कि वेट कर रहा है, जिससे नंबर आएगा इसके बाद इसमें ब्रेकआउट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। इजिली 3 रुपए के लेवल को तो पहले ही निकाल देगा। 3 रुपए के लेवल को निकालने के बाद इसका प्राइस इसके ये यहाँ से मिलाते हैं ऐसे, इसके प्राइस के ये डबल यहाँ से होते हुए जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 4 रुपए का जो हाई है तो आपको 8 से 10 रुपए तक प्राइस शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखेगा। अब जब आप बी एस इंडेक्स वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि स्टॉक में अभी कुछ दिनों से अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा है। तो उम्मीद है कि अगर अपर सर्किट कंटिन्यू रहा तो क्वार्टर वन के नंबर आने के पहले भी इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। कोई नया व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा काम आती है कि ब्रेकआउट पे बाई कीजिए और फिर थोड़े बहुत पैसे बन जाए तो बाहर हो जाइए। बाकी इसका लॉन्ग टर्म का विजन है वो अभी इसमें बने रहेगा, नीचे जाने के प्राइस के चांसेस नहीं है। नीचे जाएगा तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपको क्या करना है। देखिए, क्वार्टर्स के जब आप नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें दमदार कंपनी का सेल्स हुआ था। सेल्स इसी दमदार नहीं होता, सेल्स के साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा, हालांकि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था पिछले क्वार्टर मुकाबले, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखेंगे ओवरऑल जो प्रॉफिट के मुकाबले तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट पर है। बाकी बैलेंस शीट की यदि बात करें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे
कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, कंपनी एकदम डेब्ट फ्री है, बिल्कुल जीरो कर्ज है। और वहीं पे कहीं ना कहीं कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो, वो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि कंपनी के पास एक तो सेल्स हो ही रहे हैं, सेल्स के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, और उस प्रॉफिट का कंपनी यूज कर रही है। पहले थोड़े बहुत कर्जे थे, उस कर्जे को चुकाने में यूज करती है, अब बाकी जो कर्जे नहीं है तो उसका कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है, कंपनी का रिजर्व बढ़ा है पहले के मुकाबले। तो ये एक गुड मैनेजमेंट का साइन होता है, मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है। बुरे वक्त में कंपनी अपने सिस्टम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकती है, उसके पास कैश पैसा है। और ओवरऑल बात करें तो कंपनी के पास जो असेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं, सब अपने एक रेशियो के हिसाब से ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप इसमें बने रहिए लॉन्ग टर्म के विजन के साथ। बाकी एम पावर इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।